गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि जो दुबई के अंदर कितने हम रहेंगे, अगर विजिट वीज़ा पे हम आते हैं तो कितना हमारा एक्सपेंस चले जाता है, और जो जो मुझे कंपनी ने अकोमोडेशन, कोई कोई कंपनी अकोमोडेशन फ्री देती है और कोई कोई कंपनी अकोमोडेशन फ्री नहीं देती, वाइस पर द कंपनी पॉलिसी रहती है। जगह अगर हमारा जो मेडिकल है, तो लोकेशन हमारा अगर कट एरिया में रहेगा दुबई के, थोड़ा आउटसाइड है, तो मोस्टली हर कंपनी अकोमोडेशन दे देती है। अगर मेन दुबई में रहता है तो उतना अकोमोडेशन देती नहीं है, अगर अकोमोडेशन देती है तो सैलरी में से कट कर लेती है। तो आज मैं जो मुझे कंपनी ने अकोमोडेशन दी है वो घर का मैं आप लोग को टूर कराऊंगा। तो फिलहाल मैं अभी जा रहा हूँ मैं थोड़ा दूध लाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर भी था तो भी दूध लेने जाना पड़ता था, और यहाँ पर भी थोड़ा दूध लाने के लिए, अभी मैंने नाश्ता नहीं किया हूँ तो मैं अभी जा रहा हूँ थोड़ा दूध लाने के लिए। तो मैं दिखा देता हूँ कि जो मेरा लोकेशन है कहाँ पर एग्जैक्टली कैसा है, ठीक है? लोग देख रहेंगे कट चट एरिया पूरा ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा है। ये एक्चुअली जो जो मैं लोकेशन बता रहा हूँ मैं अपना यहाँ का, वो थोड़ा मतलब मेडिकल के पीछे का हिस्सा है। फिर जो यहाँ पे जो ये मजरा है, ये टोटल मतलब खजूर के पूरे झाड़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे इतना छोटे छोटे शॉप भी रहते हैं, बड़े बड़े शॉप भी रहते हैं। तो मैं आप लोग को वो बताता हूँ कि मैं यहाँ पे इमरेट्स कोऑपरेटिव सोसाइटी करके, जो कि जैसे अपना मॉल में डी मार्ट जैसा रहता है या बिग बाज़ार जैसा रहता है, तो ये यहाँ पे भी है। तो मैं जा रहा हूँ वहाँ से दूध लाने के लिए। तो चलते फिर। तो ये पूरा लोकेशन है, और फिर ये रही मस्जिद हमारी, जो कि नज़दीक दिखती है, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। मस्जिद हमको सामने देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो आज जो हम लेने वाले हैं वो इसमें से लेने वाले हैं। ये दिख रहा है आपको इमिरेट्स कोऑपरेट सोसाइटी, ठीक है। ये सब अपने इंडिया में रहता है, नॉर्मली ग्रोसरी का शॉप रहती है बड़ी बड़ी मॉल के अंदर या बाहर जैसा डी मार्ट जैसा, ये वैसे ही है, ठीक है। तो हम चलते हैं, तो ये हम घुसते हैं अंदर। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? मुर्गी आ गई क्या? चलो ठीक है, देखते रहें इंशाल्लाह। नदीम से बात करता हूँ मैं, ठीक है, ठीक है, ठीक। तो ये आ जाते हैं, हम अंदर घुस जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे मिल्क लेने के लिए आए थे, तो ये ले लेते हैं। तो ये ऐसा कुछ रहता देखने को मिल जाता अपने को, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कॉस्टली रहता है सामान वामान अगर देखने में जाएंगे तो। मोस्टली ये थोड़ा बड़ा है इमिरेट्स, जो मतलब जो यहाँ के शेख लोग हैं, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, ये मोस्टली यहाँ से लोग शॉपिंग करते हैं, क्योंकि हमको थोड़ा महंगा कॉस्टली मिल जाता है। देखने इसकी बात करेंगे तो 38.80 दिरहम के आसपास मिलता है 5 kg, जो कि सिनारा ब्रांड का। फिर सिनारा गोल्ड में भी आता है, जो कि हम लोग इस ये दोनों इस्तेमाल करते हैं। फिर एक मुमताज़ करके भी आता है, ये भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो नॉर्मली रहता है। तो फिर सबके यहाँ पे जो सेक्शन है सबके अलग अलग है। तो ये मसाले वाले सेक्शन आपको एक में देखने को मिल जाएंगे, पूरे मसाले वाले सेक्शन है। फिर यहाँ पे हमारे नॉर्मल जो मसाले, हल्दी पाउडर, मिर्ची, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, जो भी ये सब उनको पूरा देखने को उसमें मिल जाता है। तो ये अगर कुछ भी ऐसा ऑफर आता है तो लोग खुद ही बताते हैं, मतलब नॉर्मली फ्रेश चिकन आ रहा है तो ये आप ले सकते हो ऐसा कुछ, तो ये ऐसा वैसा। तो ये मतलब जो जूस है पूरे यहाँ पे ऐसा रखे हुए रहते हैं। फिर यहाँ पे हमारा नॉर्मल ये जो काजू बादाम, हमारे जो इंजीर जो हो गए, पिस्ते हो गए, नॉर्मली सब पूरा मतलब आपको कहीं अरे मतलब एक सामान पता देखने को नहीं मिलता। तो मैंने तो लाया था दूध लेने के लिए, तो मैंने दूध ले लिया हूँ। तो चलो इसकी बिलिंग कराते हैं हम, तो मतलब जैसे पैम्पर्स भी हमको देखने को मिल जाते हैं नॉर्मली। और फिर यहाँ पे वो नहीं चलता, विस्पर नहीं चलता है, तो बस विस्पर का ब्रांड है, बस उसने ब्रांड नेम चेंज कर दिया, ऑलवेज रख दिया है। तो यहाँ पे भी हर महीने के लास्ट में हमको मतलब ऑफर देखने को मिल जाता है, क्या ऑफर है क्या नहीं है, तो इसकी वजह से। तो ये हम बिलिंग करा लेते हैं बिलिंग। तो नॉर्मल चॉकलेट वाले सेक्शन भी देखो इधर पे, अभी तक ऐसा पूरा चॉकलेट वाला सेक्शन देखने को मिल जाता है हमको सारे दुबई के अंदर जितने भी है अच्छी क्वालिटी में। थोड़ा महंगा है बस, वो यहाँ पे थोड़ा महंगा है बस, क्या थोड़ा चीज़ सस्ती है। तो हम चलते बिलिंग करा लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने लगभग कितने के लिए 3.35 दिरहम के आसपास हमको ये मिला है, जो
जो कि आधा लीटर है। मिल्क हमको मतलब इतना मिल गया, लेकिन देखो यहीं पे लोकेशन है, ठीक है। फिर ये जहाँ से हमने शॉपिंग करी ये है, फिर वहाँ पे लॉन्ड्री शॉप है, फिर वहाँ सैलून है, फिर वहाँ पे जूस सेंटर है वीटा फार्म करके, ठीक है। देखो एक कैप्सूल जैसा लग रहा था लेकिन वो है नहीं वहाँ पे, मतलब मोस्टली जूस वूस मिलता है। और फिर वहाँ पे नॉर्मली शॉप्स है जो कि टी शर्ट और वो सब देखने को मिल जाती है। फिर यहाँ ब्यूटी पार्लर भी लेडीज़ का जो कि हमको देखने को मिल जाता है। और फिर ये हमारी आ जाती है फार्मेसी, ठीक है, जो कि हमने अभी लेटेस्ट में हम लोग ने ये फार्मेसी का लोगो चेंज करा है, ठीक है। कैसा लग रहा है आप लोगों को जरूर पता था। इसके बाद में हमको क्लिनिक देखने को मिल जाती है जो हमारा अटैच है, फार्मेसी पर भी क्लिनिक। फिर आज में कैफे कैफे है जो कि बाजू में ही, मतलब लोकेशन अगर हम देखा जाए तो लोकेशन सही है। हमने रूम के उस साइड से एंट्री मारी थी, ये पूरी बिल्डिंग है हमने पीछे से लिया था, तो मैंने पूरा आगे आपको उसे लोकेशन दिखा दिया हूँ। अगर हम बात करेंगे तो मतलब यहाँ से लेके अगर हत्ता रोड, मतलब हत्ता रोड के साइड पड़ता है, अलावीर के आगे पड़ता है। हम लोग पूछते सर आप कहाँ पर रहते हो, तो अलावीर के आगे हत्ता रोड है, फिर हत्ता रोड पर ही हमको देखने को मिलता है। तो ये हम अपने जाते, तो ये हमारा रूम है, तो दूर है ही नहीं, ट्रैवलिंग करना नहीं हमको तुरंत, मतलब मेडिकल के पीछे अकोमोडेशन दे रखा है, तो मेडिकल के उतना है रूम से, मेडिकल मेडिकल से रूम, ओके। सिर्फ ओनली 15-20 कदम पे ही है। देखो मैं अभी अब डायरेक्ट अपने रूम पे आपको रूम दिखाता हूँ कि रूम कैसा हमको कंपनी ने अकोमोडेशन दी है, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ है वो भी मिला है। तो आप लोग को मिल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो इंटरव्यू के ऊपर उस टाइम हायरिंग कैसी हो रही है, उन लोग को अर्जेंट वैकेंसी मतलब अर्जेंट नीडेड है कि नहीं, तो मोस्टली उसके ऊपर आता है। पूछते अकोमोडेशन मिलता है, लेकिन किसी किसी को अगर सैलरी 4000 दिरहम देते हैं तो अकोमोडेशन क्या करते हैं, काट लेते हैं 500 दिरहम, तो 3500 देते हैं, उसमें से अकोमोडेशन काट लेते हैं, तो मोस्टली ऐसा भी होता है। तो ये जो कि कंपनी दी, तो मैं खोलता हूँ, ठीक है। तो बाहर गर्मी बहुत थी, ये मैंने अपना दूध रखा, ये बिल थी, ठीक है। फिर यहाँ पे हम एसी चालू कर लेते, टर्बो कर देते तो क्या थोड़ा कूलिंग ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। हाँ तो यही है, देखो यहाँ पे हम लोग ये मतलब ये पहले से था रूम के अंदर जो कि ये वाटर के लिए, ठीक है। इसमें गर्म पानी ठंडा पानी दोनों आता, बस चालू करना रहता है। तभी चालू हो गया तो इसमें से नॉर्मली हॉट आता है, इसमें से कोल्ड आता है, कोल्ड वाटर आता है। तो ये हो गया, और जो कि रूम में हम चार लोग रहते हैं, ठीक है। तो एक तो ये मेरा बेड, यहाँ पे मैं सोता हूँ, ठीक है। ये मेरा कंबल है, ये बेड है, और फिर ये मेरे थोड़े बहुत सामान है, तो मैंने अपना बैग यहाँ पे रख दिया हूँ, और फिर थोड़े बहुत उसके अंदर कपड़े रखा हूँ, और थोड़ा ये है। तो ये मेरा बेड है, और जो नीचे यहाँ पे ये एक नर्स रहता है जो कि बाजू में क्लिनिक में काम करता है, नदीम नाम है उसका, तो यहाँ पे रहता है। और फिर ये दो लोग का है, ये दोनों लोग एक, और ये फिर नीचे वाला, ये दोनों लोग श्रीलंका के हैं, तो ये श्रीलंका के लोग फ्लावर शॉप है यहाँ पे। मैं एक बार उसका भी मैं भी सोच रहा कि उसका एक ब्लॉग बनाऊँ कि यहाँ पे फ्लावर कैसे कैसे मिलते हैं, कितने पैसे के मिलते हैं, क्या हम फ्लावर शॉप डालेंगे तो कितने रुपये खर्चा लगेगा, तो उसका भी एक बार बना के डालूंगा, और क्या क्या काम रहता है उसके अंदर वो भी थोड़ा डालूंगा मैं। तो श्रीलंका के अच्छे मतलब लोग, ज़्यादा कुछ नहीं, नीट एंड क्लीन रहते हैं। और रूम ये इतना बड़ा रूम देखने को मिलता है, ठीक है। जो कि हमारे यहाँ पे बर्तन अलग अलग होते हैं, बस जो चम्मच होते हैं जो सेम वो यूज सेम है, ये हमारे हैं, ठीक है। ये हमने अपने मतलब अपने हिसाब से हमने अरेंज करे हैं, ठीक है। ये हमारे कुछ खाने के हमारे मसाले अरेंज है, और फिर ये उल्लू के मसाले अरेंज है, ठीक है। तो ये दोनों बॉटल देख रहे हैं, ये जैतून के तेल है, तो ये नॉर्मल इतने मसाले है अपने को देखने को मिलते हैं। फिर ये हमारी छोटी सी फ्रिज रहती है, ठीक है, ज़्यादा बड़ी फ्रिज नहीं है ये, इसमें हमने अपना वो लिए थे चिकन उकन जो रखा है हम लोग फ्रीजर के अंदर रखते हैं जो भी है। और फिर ये हमारा नॉर्मल फ्रीजर है जिसके अंदर कुछ भी नहीं रहता है, बस एक दूध के अलावा छोड़ के। सर मोस्टली वो जो रेड कलर का जो दूध है ना, वो मोस्टली हम लोग उससे वो बनाते, क्या बोलते हैं, चाय वो बनाना रहता तो हम लोग वो बनाते हैं। फिर ये हमारा गैस है, बाटले हैं जो कि ऑटोमेटिक रहता है, ठीक है। बस ऐसा करेंगे तो ये अपने आप चालू हो जाता है, लाइटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यही है रूम, अगर हम उसकी एक्सपेंस की बात करें, अगर हम विजिट वीज़ा पे आ रहे हैं तो कितना खर्चा लग जाएगा। देखो मैं हम लोग हर महीने कैसा खर्चा करते हैं, मैं आप लोग को वो बुक दिखाता हूँ, ठीक है। तो वो बुक मैं आप लोग को दिखाता हूँ कैसा रहता है, मैं आप लोग को ना खर्चा कितना होता है मैं वो आप लोग को बताता हूँ, क्योंकि मोस्टली कितना रुपया लेके आना है हमको विजिट वीज़ा पे, कितना रुपया खर्चा आना चाहिए। देखो कम से कम हमको ना, देखो विजिट वीज़ा पे हम अगर 2 महीने के लिए आ रहे हैं तो हमको कम से कम ना मतलब 2000 दिरहम के आसपास लेके आना, 2000 दिरहम मतलब
हमारा कम से कम 50,000 रुपया कैश हमको लेकर आना है। और जब भी हम कहीं से भी आए तो हम उसको दिरहम में कन्वर्ट करा के आए, वो हमसे वो हमारे लिए बहुत बेनिफिट होगा। फिर हमको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, बस हमको रूम लेना और दिरहम में पैसा हमको देना रहता है। तो मैं आप लोग को वो दिखाता कि मेरा खर्चा कितना आता है। हम लोग एक बुक बनाए, हम लोग कैसा लिखता है कि अगर मैंने सामान लाया तो मैं अमाउंट लिखूंगा और मैंने अपने आगे नाम लिख दिया। फिर किसी दूसरे ने लेके आया तो कि यहाँ पर जो खाने वाले हम लोग सिर्फ दो जने और लोग दो जन अलग खाना बनाते हैं, लोग दो अपना अलग खाना बनाते हैं और हम लोग दो अपना अलग खाना बनाते हैं, क्योंकि हम लोग इंडियन है। तो वो भी राजस्थान का रहने वाला जो नदीम करके, तो हम लोग खाना अपना सही लगता है अपने हाथ का बना हुआ, क्योंकि वो लोग श्रीलंका में ज़्यादा स्पाइसी खाने को पसंद करते, ज़्यादा तीखा खाने को पसंद करते, और हम लोग नॉर्मली खाने को मैं पसंद करता हूँ, ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं। तो मैं दिखाता हूँ जो हमारी जो बुक की जो कैलकुलेशन है कि हमारे खाने का खर्चा कितना आता है। ठीक है, देखो रहने का खर्चा अगर हम इस तो अगर हम ऐसा रूम लेने जाएंगे, ठीक है, जिसके अंदर हमको लाइट बिल भरनी जिसके अंदर हमको लाइट बिल भरनी नहीं रहती है, ना हमको पानी का बिल भरना रहता है, बस हमको बेड स्पेस देना पड़ता है। तो अगर मैं ऐसा रूम की बात करूँ तो ऐसा रूम का बेड स्पेस 400 दिरहम के आसपास देखने को मिलता है दुबई के अंदर। आप कहीं भी जाओ, अगर बड़े से अगर बड़े में जाएंगे तो आपको और महंगा मिलेगा। देखो देखो जो रूम जैसा भी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ, क्योंकि रूम कंपनी ने दिए, तो मुझे इतना वो नहीं है कि मुझे अपने जेब से भरना पड़ता पड़ रहा है, मेरे को कंपनी दी, मैं खुश हूँ, मतलब सही, नीट एंड क्लीन है, मुझे सही है, 4 लोग के लिए बहुत सही है मेरे हिसाब से। अगर इंशाल्लाह आगे तरक्की हुई तो इंशाल्लाह हम बड़े रूम और भी लेंगे, इसमें और लग्जरीज लेंगे। देखो सब दुबई में पैसे हैं, सब कुछ है, तो दुबई के अंदर पैसे हैं तो सब कुछ है, तो वो अपने पे डिपेंड करता है कि हम कैसे खर्चा करते हैं। तो मैं आपको खर्चे की बुक बताता हूँ कैसे खर्चा कितना आता है हमारा। तो ठीक है, 2 अप्रैल टोटल देखो अप्रैल का खर्चा है, अप्रैल 2023, हामिद हामिद नदीम, तो ये हमारा टोटल जो हुआ था, नदीम ने 108 रुपये खर्चा किया था और मैंने 172, तो टोटल फाइनल हमारा दोनों में से 280 हुआ था और डिवाइड बाय 2, तो 140 रुपये हमको खर्चे में हमको देखने को मिला था। 140 दिरहम के आसपास हमारा एक महीने का खर्चा हुआ था खाने का। तो अगर देखा जाए तो भी लमसम तो भी हमारा अगर तो भी देखा जाए कि कितना खर्चा बैठ सकता है, तो मोस्टली हमारा जो खर्चा बैठेगा लगभग महीने का खाने का, तो हमारा समझ लो 300 दिरहम लगेगा खाना खाने का। तो 300 दिरहम पकड़ के चलिए, या उससे कम भी लगता है 250 दिरहम हमारे खाने के ऊपर है कि हम खाना कैसे पसंद करते हैं। लेकिन हम लोग तो अलहमदिल्ला खाना अच्छा खाते हैं, कुछ कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं खाने के लिए। तो यही होगा, मतलब तुम जब भी आओ तो रूम रेंट तुम्हारा 500 दिरहम पकड़ लीजिए, मतलब ज़्यादा, क्योंकि देखो ज़्यादा हम पकड़ेंगे तो अगर बचेगा तो वो हमारा हो जाएगा। तो 500 रुपया हमारा रूम रेंट का हो गया और 300 रुपया हमारा खाने का होगा, तो हमारा हो गया टोटल 800 रुपया। और 300 रुपया हम अगर जॉब ढूंढ रहे हैं तो 300 रुपया हम ट्रैवलिंग में खर्चा करें। देखो जॉब हमको घर पे बैठ के नहीं मिलने वाली, हमको निकलना पड़ेगा रूम से और हमको CV ड्रॉप करना पड़ेगा, हमको हर जगह जाना पड़ेगा। तो जितना हम अगर ढूंढेंगे अच्छे से तो हमको उतनी जॉब अच्छी से अच्छे से मिल जाएगी। तो यही यही था मतलब। तो लगभग हमको अगर एक महीने का खर्चा पकड़े तो हमारा 1100-1200 रुपये पकड़ के चलो दिरहम के आसपास जाएगा। तो जॉब हम जितनी बाहर जितने जब भी बाहर निकलेंगे कॉन्टैक्ट करेंगे तभी हमको जॉब मिल सकती है। तो ये हो गया हमारा टोटल रूम रेंट और जो हमारा एक्सपेंसिव का। तो इतना रुपया आप कहीं से भी जब आ रहे हो तो आप अपने हाथ में दिरहम लेके आइए, ठीक है। तो फिर के लिए जो कि मैंने नाश्ता के लिए मैंने पहले से कचूर को निकाल रखा हूँ, ठीक है, तो ये निकालेगा और मैंने इसको वॉश भी कर लिया था। तो डायरेक्ट हम तैयार करते हैं, तो ये दूध खोल लेते हैं। जो कि हमने दूध डाल दिया इसके अंदर, आज हम जा रहे थोड़ा नॉर्मली खजूर का शेक बनाने जा रहे हैं। तो ये मैंने पहले से इसका छिलका निकाल लिया था, तो ये मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे अपना पहले से मैंने यहाँ ड्राई फ्रूट रखा मिक्स करके, थोड़ा हम ड्राई फ्रूट भी डाल लेते हैं, क्योंकि मुझे नाश्ता का इतना पसंद नहीं, मैं चाय बहुत रेयरली पीता हूँ, बहुत रेयरली चाय मुझे पसंद नहीं है। तो मैं तेल मसाला भी सुबह सुबह जमता नहीं, तो मैं नॉर्मली रेडली मिक्स करके रखा, जिसके अंदर मैंने इंजीर है, ठीक है, और फिर ये थोड़े बहुत काजू बादाम है, इसमें हम डाल लेते हैं, ठीक है, देखा तो डाल लेते हैं। तो ये हमने डाल लिए, ठीक है, उसको बंद कर लेते हैं। तो आज का नाश्ता यही करेंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे डाल दिए, ठीक है, तो हम यहाँ पे थोड़ा ग्राइंड कर लेते हैं।
पहले देख रहे थे मिक्सर ऑन है कि नहीं, एक्चुअली मिक्सर ऑफ है। ठीक है, ये हमने डाल ली इसका जो प्लग, हाँ चालू कर दिए इसके जो ढक्कन। तो ये हमने प्लग भी चालू कर दिए, मिक्सर फिर ये ढक्कन है जो हमारा। ठीक है, इसको हम बैठा देते, तो ये हमारा रेडी हो गया। ठीक है, तो हम उसको निकाल लेते हैं, ये निकाल के हम यहाँ पे रखते हैं और जो इसकी जो ये है उसको वापस अपनी जगह पे रख देते हैं। तो ये हमको आधा लीटर दूध, अगर हम इंडिया के हिसाब तो ये लगभग हमको कितना 3.5 दिरहम के आसपास है। एक दिरहम हमारा 22.50 रुपया चल रहा है। ठीक है, 50 पैसे, तो 3 दिरहम में हम उसको कन्वर्ट करेंगे तो लगभग हमको 100 रुपये के आसपास हमको आधा लीटर देखने को मिल जाता है। तो ये हम ठीक है, तो ये हमारा ग्लास है। ठीक, और जब भी ग्लास व्लास निकालने का तो धो लिया करने को, क्योंकि घर वाले हमेशा बोलते थे कि कीड़े मकोड़े रहेंगे तो उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये मैंने अपना वॉश कर लिया। ठीक है, तो ये गिलास में फिर ये मैं खोल लेता हूँ उसको। तो यही हमारा रूम अगर ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। तो मोस्टली सामान सब आप लोग को बाहर दिख रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं, फिर बाहर सही रहते हैं। मेरा बाजू में एक साइड में सर रख दिए हुए सब ऊपर चाय बनाने वाला चावल हुआ जो भी पैन फ्राई वो सब वगैरह। ये नमक है, इसको नमक को अपनी जगह पे रखते थे। ठीक है, ये नमक को अपनी जगह पे रख दिए। तो ये गैस है, फिर ये हमारा आ जाता है पेड़ा, पेड़ा आता है, फिर ये बेलना आता है, और फिर ये क्या बोलते हैं लूडंस रहता है, पेड़ा बेलना और लूडंस रहता है, और कप है चाय पीने वाले। फिर नेक्स्ट टाइम इसमें आटा रखा हुआ है तो कई कई ऐसा लगता है तो बना लेते हैं हम लोग। तो बस इतना सा रूम का टूर था। तो अगर आपको कुछ डाउट रहे DHA के रिलेटेड या कुछ भी रहे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना, मैं इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो आज के लिए काफ़ी, अल्लाह हाफिज़, सब्सक्राइब करना ना भूलें।